और देखिए क्लास टेंथ मैथमेटिक्स है, सीबीएसई बोर्ड या एपी बोर्ड भी आप अपना सकते हैं इसको। तो ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, और सिलेबस के अनुसार आपको ये मस्ट है कि ये लेसन जो है, ये चैप्टर जरूर आएगा ट्रिग्नोमेट्री का, जो हाइट और डिस्टेंस को शायद डिलीट किया गया। आप क्लास करेंगे, क्लास में इसको में बताया जाएगा कि मैंने कौन कौन से टॉपिक आपको हटाया गया है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री जो है बहुत इजी है और बहुत ही सिंपल, माने सिंपल वे में आप पढ़ेंगे तो आसानी से आप हल कर लेंगे क्वेश्चंस को। और ये डीपली जो है, माने अधिक गहनता से आप पढ़ेंगे, क्लास 11 और 12 में ही आपको ट्रिग्नोमेट्री मिलेगा। इसलिए जो भी है ट्रिग्नोमेट्री, आप ट्रिग्नोमेट्री का मतलब जानिए, माने ये ट्रायंगल बेस्ड होता है। जो भी है माने इसके सारे क्वेश्चन होंगे राइट एंगल ट्रायंगल, और जो भी इसके क्वेश्चन मिलेंगे आप, तो फर्स्ट यू इम्प्लीमेंट ऑन द राइट ट्रायंगल, माने राइट ट्रायंगल पर ही आपके क्वेश्चन इसमें सॉल्व होंगे। तो फर्स्ट आई एम गोइंग टू टेल यू सम फार्मूला। जो फार्मूला है माने इस तरह, ये ट्रायंगल फर्स्ट वी ड्रा अ ट्रायंगल, दिस एंगल इज 90 डिग्री एंड ए बी सी, माने वी आर हियर दैट सीइंग दैट, माने एंगल बी जो है 90 डिग्री है, आपका बी सी और ए सी क्या है इसको जानिए, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर, और इसको बोलेंगे बेस। ठीक है, हाइपोटेनस जो कर्ण का काम करता है, ये बेस है जो आधार है, और ये आपके जो ग्राउंड है उसके पैरेलल होता है, पैरेलल समांतर, और ये परपेंडिकुलर जो धरती से ग्राउंड से 90 डिग्री एंगल बेस्ड होता है। तो पहले देखिए इसमें 6 फार्मूला है, अगर 3 फार्मूला आप लर्न कर लेंगे तो उसके अनुसार आप मैंने इवेल्युएट दी गिवन फार्मूला। तो पहले देखिए, हम साइन ए के लिए मान, सॉरी एंगल ए अगर मान लेते हैं थीटा है, इस साइन माने इसको बोलते हैं थीटा, जैसे वो बनाकर उसको कर दे, माने वो जैसे है तो थीटा बोलते हैं। तो पहला फार्मूला ये होता है साइन थीटा, सीन है, SIN सीन मत बोलिएगा, साइन बोलिएगा। ठीक है, बहुत से लोग बोलते हैं सीन थीटा, ये गलत है, क्या बोलेंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू, या फार्मूला देखिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर नोट करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यानी पी बाई एच ऐसे भी नोट कर सकते हैं, इक्वल टू पी बाई एच, मैंने आप शॉर्ट में अपना देंगे, परपेंडिकुलर बाई हाफ टेनर, और ये वैल्यू किसका होता है साइन थीटा का। फिर आएगा आपका कॉस थीटा, सी ओ एस कॉस, ठीक है, सी ओ एस होता है कॉस थीटा, जो होता है बेस अपॉन हाफ टेनर, मैंने बी बाई एच से डिनोट करेंगे, मैंने कॉस थीटा मतलब बेस बाई हाइपोटेनस। ये थोड़ा सा मैंने आप शॉर्ट में टर्म में याद करें तो लर्न होगा आसानी से। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच कर देंगे। फिर टैन थीटा ये होता है आपका पी बाई बी, पी बाई बी मैंने परपेंडिकुलर बाई बेस, ये हो गया।
तीन फार्मूला हो गया, मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड, और इसको बोलते हैं फार्मूले। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का जो मेन फार्मूला तीन है, साइन कॉस टैन। अब देखिए बहुत इजीली हम इसको कैसे आगे के फार्मूला डिनोट करेंगे। मैंने टैन के बाद काट आएगा, COT काट थीटा। काट थीटा जो होता है टैन थीटा का एकदम उल्टा, रिवर्स। मैंने टैन थीटा का उल्टा करेंगे तो बी बाई पी हो जाएगा। मैंने ये हो जाएगा, इसका मतलब कि बेस बाय परपेंड, हाँ परपेंडिकुलर। फिर अगला है फिफ्थ फार्मूला, तो काट के बाद होगा आपका, मैंने ये उल्टा चलेगा, कास का भी होता सेक, मैंने सेक थीटा बनाएगा। सेक थीटा इक्वल टू, ये कास का रिवर्स होता है, मैंने एच बाई बी। अब सेक थीटा जो होता है कास का रिवर्स, कास क्या होता है माने बी बाई एच, इसका रिवर्स माने आपका हो जाएगा एच बाई बी। देखिए अब ट्रस बाई परपेंडिकुलर। अब देखिए नहीं, सेक थीटा जो होता है कास का रिवर्स है, तो एच बाई बी हो जाएगा, माने हाफ ट्रस बाई बेस। फिर कोसेक, कोसेक माने साइन का रिवर्स, माने साइन का उल्टा होता है। साइन का माने पी बाई एच है, तो एच बाई पी हो जाएगा, माने हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर। अब देखिए ये हमारे सिक्स फार्मूले हैं, लेकिन इसके अलावा और भी फार्मूले मिलेंगे। एक फार्मूला नोट कर दे रहे हैं कि टैन थीटा जो होता है इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। फिर एक काट थीटा माने, जैसे पहले ऑलरेडी बताए हैं कि ये 1/10 थीटा, माने 10 थीटा का उल्टा होता है। उल्टा करेंगे आप, यानी काट थीटा जो होता है 10 थीटा का रिवर्स है, यानी 1/10 थीटा, यानी कास बाई साइन, कास थीटा अपान साइन थीटा, ये हो जाएगा। माने कॉट थीटा का वैल्यू जो होता है कॉट थीटा पर साइन थीटा, माने ये सब फार्मूले हैं, इसको एकदम से आपको लर्न करना पड़ेगा, और बिना इसके आपका ट्रिग्नोमेट्री जीरो हो जाएगा। तो फर्स्ट यू हैव टू लर्न दिस फार्मूले, और ये बहुत सिंपल है, बस ये तीन लर्न करिए अच्छे ढंग से, ठीक है। और एक लास्ट ये, उसके बाद रिवर्स कर दीजिए, पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, क्वेश्चन कैसे आप सॉल्व करेंगे। अब देखिए एग्जाम्पल एक अपने तरफ से बता रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 करते हैं, ये आपके बुक अकॉर्डिंग नहीं है, मैं अपने तरफ से दे रहा हूँ। जैसे कि लिख दिया है यहाँ पर, ए बी सी हो गया, और ये आपको दे दिया है 5, और ये दिया 3। माने क्वेश्चन इस तरह से रहेगा कि ए सी इक्वल टू इन, माने ये क्वेश्चन रहेगा इन राइट ट्रायंगल, ए सी इक्वल टू 5, और आपको दे दिया बी सी इक्वल टू 3। तो फाइंड आर ट्रिग्नोमेट्रिकल
कमेंट का रेशियो, रेशियोस बोलते हैं, माने अलग जो फार्मूले हमने सिक्स देखे हैं उसी को आपको लाना है। तो अब यहाँ पे हमें सोचना होगा कि पहला फार्मूला तो क्या होता है, साइन थीटा होता है। अगर थीटा लेते हैं तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है, हाँ, पी बाई एच होता है, माने परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। लेकिन कहीं कहीं ये भी हमें रिक्वायर है, जरूरत है ए बी को। तो फर्स्ट तो ए बी का वैल्यू जो पाने के लिए आप क्या करेंगे, मानी पाइथागोरस थ्योरी आप पढ़े होंगे। पाइथागोरस थ्योरी जो ये होता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, मान उसमें जो थर्ड साइड आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। मान ये आपको मालूम है, दो साइड मालूम हो गया। थर्ड साइड प्राप्त करने के लिए आप क्या करेंगे, ए भी मालूम करना है कि इसमें माइनस होता है। तो फर्स्ट मान ए बी, ए बी इक्वल टू अंडर रूट, देखिए इसमें मैंने हाइपोटेनस में से माइनस करना होता है। अगर ये दोनों साइड में कोई एक साइड पूछ दिया तो हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस जो अदर साइड है उसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस कर देंगे। 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर यानी इक्वल टू अंडर रूट 25 माइनस 9, आ गया आपका अंडर रूट 16। मैंने ए बी इक्वल टू 4, मैंने इसका वैल्यू जो है 4 हो गया। तो अब देखिए, मैं जो थर्ड साइड है, इसका मतलब कि आपको हर क्वेश्चन, मैंने हर जगह तो लागू नहीं कि मैंने ये थर्ड साइड जो भी है बेस लगाना ही पड़ेगा, लेकिन अब तीनों जब मालूम हो गया तो ये आपके सुविधा के लिए जरूरत है। अब देखिए साइन थीटा, मैंने साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, अब आपका क्वेश्चन हो गया। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है पी बाई एच एंड परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी पी का मतलब हो गया 3 और ये बाई 5। ठीक, एक कॉस थीटा, ये कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस माने बी बाई एच करें, बी बाई एच वाट इज वैल्यू ऑफ बी, बी माने आपका 4 हो गया अपन 5 हो गया, 4 अपन 5। फिर कास हो गया, आप 10 निकालते हैं 10 थीटा, तो ये होता है पी बाई बी परपेंडिकुलर बाई बेस, पी बाई बी माने आपका 3/4 हो गया। अब फिर काट, काट थीटा माने इसी का उल्टा हम बताते हैं, पहले ही जैसे बताया है तो इसी का उल्टा करेंगे, 4/3 माने रिवर्स हो गया। अब काट के बाद हम आते हैं, हाँ, सेक पर, सेक थीटा इक्वल टू ये कास का उल्टा होता है माने h/b माने 5/4। फिर आपका कोसेक थीटा इक्वल टू, कोसेक थीटा जो साइन का इनवर्स होता है, माने h/p फार्मूला हो गया। और h का वैल्यू क्या है, हाइपोटेनस माने 5/4, ये 5/3 हो गया। तो ये सब आपके माने 6 वैल्यू सारे, देखिए एक ये हुआ 2 3 4 5 6। ठीक है, तो फर्स्ट यू हैव टू लर्न ऑल द फार्मूला, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोस, उसके बाद एग्जांपल देखिए, उसके बाद अब सॉल्यूशन, मोर सॉल्यूशन यू विल फाइंड बाई टेक्स्ट बुक इन द फर्दर टाइम। ओके, जस्ट नाउ इट नोट इट।